नमस्कार दोस्तों, मैं नित्या श्रीनिवासन आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ भारत के पिक्चरों के बारे में बात करने के लिए। आज भारत में दो प्रकार की फिल्में बन रही हैं, एक अच्छी फिल्में हैं जिनमें से एक को हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज, और दूसरी नेपोटिज्म गैंग की पिक्चरें हैं। हाय गाइस, सो अब तक आप समझ ही गए होंगे, टुडे वी आर रिव्यूइंग दिस मूवी कॉल्ड जजमेंटल है क्या। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि इस मूवी का पहले नाम था मेंटल है क्या, बट आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया, दे मेड इट टू जजमेंटल है क्या। एंड इंटरेस्टिंगली दिस जजमेंटल हैज द डबल एल फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। वेल, मूवी के एल का तो पता नहीं, पर उन लोगों के एल जरूर लग गए हैं जिन्होंने फालतू की भसड़ करने की कोशिश करी है और सोचा कि यार कंगना रनौत की पिक्चर है और क्या ही कर लेगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द रिव्यू। सो द मूवी जजमेंटल है क्या, कहानी है ऑफ दिस वीओ आर्टिस्ट कॉल्ड बॉबी व्हिच इज प्लेड बाय कंगना रनौत। बेसिकली शी इज डीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन कॉल्ड अक्यूट साइकोसिस, जिसमें वो कभी कभी फील करती है एंड एक्चुअली घुस जाती है उन कैरेक्टर्स को जिनके लिए वो वीओ दे रही होती है। बड़बोली है, अतरंगी है, हीरोइन की तरह। बॉबी की मुलाकात होती है केशव से, विच इज प्लेड बाय राजकुमार राव। केशव एंड हिज वाइफ दे रिसेंटली मूव इनटू द सेम बिल्डिंग एज कंगनाज, एंड जो राजकुमार राव का रोल है ना, मतलब एकदम टर्की वाला। ओहो, मतलब दिन भर घपाघप, पानी दिखे तो घपाघप, सामने से बीवी जलती हुई आ जाए तो घपाघप। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। केशव को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दप्पा। और उसके बाद हो जाता है मर्डर बिल्डिंग में, जिसका ब्लेम कंगना डालना चाहती है राजकुमार राव पर। पर राजकुमार राव कहते हैं कि इस लड़की पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। झूठ बोल रहा है ये, कहता था मैं स्मोकिंग नहीं करता, नॉन वेज नहीं खाता, केचप लगा के पूरा आपको निकल जाए, ऐसा शाकाहारी है। बेसिकली पिक्चर का इंटरवल आता है एक क्लिफ हैंगर पे, जब कंगना मूव करती है लंदन टू मीट हर सिस्टर एंड शी रियलाइजेस उसकी सिस्टर का हस्बैंड कौन है। वेल, इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस हमें स्पॉइलर बोल करके चप्पल मारने वाली है। एंड बेसिकली दिस सेगमेंट समराइजेस द प्लॉट ऑफ द फिल्म। आगे इस मूवी के ऊपर बात करने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। यार शांतनु, क्या स्टार कास्ट है, मतलब हमने कंगना को पहले भी एकदम फाड़ रोल करते हुए देखा है, पर इस बार कंगना ने तो मतलब नेपोटिज्म की नाक निचोड़ की शिमूर निकाल दिया है। Well, actually the same can also be said about राजकुमार राव। Boy, he is so good. Deserves another national award just for this film in my opinion. But मेरी नजर में both of them यार। हाँ, actually both of them. And मेरी नजर में the story also belongs to the supporting characters like हुसैन दलाल। He is an acclaimed writer and he plays the boyfriend of कंगना रनौत in this movie. He's done a stupendous job. बहुत कॉम्प्लेक्सेस है तुम्हें, नॉर्मल नहीं हो तुम केशव से ऑब्सेस्ड। ऑल्सो इस पिक्चर में हमें दिखाई देते हैं ब्रिजेंद्र काला एंड सतीश कौशिक, दोनों की एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंसेस है ऑफ सॉर्ट्स, बट बोथ ऑफ देम हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। सो नैटी, हमने बात कर ली ऑफ द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म, बात करते हैं फिल्म की म्यूजिक की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सॉन्ग्स आर डिसेंट, बट फिल्म का एक्सट्रीम लेवल गुड पॉइंट है इस पिक्चर का बैकग्राउंड स्कोर। डार्क नोआर कॉमेडी फिल्म है ये, ऐसी फिल्में यूजुअली हमें बॉलीवुड को देखने को नहीं मिलती, इसलिए फिल्म का म्यूजिक एंड स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक को उस लेवल पर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो कि इस फिल्म के साथ पॉसिबल होता है। सो गाइज, वी टॉक्ड अबाउट द म्यूजिक एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ द फिल्म, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट टू फिगर आउट कि कितना लगा। शांतनु यार, ये मूवी बनी है एस्टिमेटेड बजट ऑफ 35 करोड़ और एक हफ्ते में कमा लिया है 50 करोड़ ऑलरेडी। सो दिस फिल्म डेफिनेटली इज ऑन इट्स वे टू बिकम अनदर हिट फॉर कंगना। फिल्म का प्रोडक्शन वाइज सबसे चैलेंजिंग पार्ट था एक रामायण सीक्वेंस जो वो शूट करते हैं सेकेंड हाफ में, इवन दो एज आई सेड काफी डिफिकल्ट सीन है वो, बट दे शॉट इट ब्यूटिफुली। सोनाटी, प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? बजट के बारे में भी बात ही कर चुके हैं, एक काम करते हैं, कुल मिला के क्या बताना है हमें, हम ये अगले सेगमेंट में बता देते हैं ना सब ऑडियंस को। सोनाटी, कितने स्टार्स देना चाहोगे तुम जजमेंटल है क्या को? आई थिंक 3 स्टार्स मूवी के तो पक्का ही है,
और एक स्टार एक्स्ट्रा दे देते हैं फॉर कंगना एंड राजकुमार राव स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड मैं आपको बता दूं, पिक्चर थोड़ी नई है, सिनेमा थोड़ा नया है, ऐसे पिक्चरें बॉलीवुड में यूजुअली बनती नहीं है, सो यू मस्ट डेफिनेटली गो आउट एंड वॉच दिस फिल्म। आई गेस ऑन दैट नोट इट्स टाइम फॉर अस टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द पॉपएक्सो रिव्यूज। अगर आप चाहते हैं हम आगे भी ऐसे ही मूवीज आपके लिए रिव्यू करते रहें, डू ड्रॉप अस द नेम ऑफ द मूवीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And for more such honest reviews, like, share and subscribe to POPxo Daily. Also, do not forget to download the POPxo app and POPxo app pe ab aap use kar sakte hain POPxo shop. And you can get your hands on some really cool merchandise at good discounts. So guys, on that note, this is me Shantanu and Nithya signing off.